वो सही कहती हैं आपके बारे में, आप बहुत सीधे साधे थे, कुछ दिमाग वालों ने आपके दिल को पत्थर का बना दिया, लेकिन आप... एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर में मेरा हुक्म चलता है, इसलिए अब जैसे है मुझे वैसे ही पसंद है। एक जो कोना मिला हुआ है ना, आराम से पड़ी रहो, अगर बीमारी बनकर फैलने की कोशिश की ना तो ऐसे ये रंग तुम्हारे हाथों पे लगकर और भी हसी हो गया। तुम्हारी सा स्प्रे करूंगी, चुन चुन के सारे ख्वाब तल्ख कर दूंगी। मोहब्बत के रंग से ज्यादा गहरा और दिलकश नहीं। जब से सलार भाई के बागीचे सलार भाई अपनी चीजों को लेकर कितने पोजेसिव हैं, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में। ये तुम्हारे लिए। फूल कहाँ से है? हमारी बाबा से कहा था, उन्होंने तोड़ के दिए। अच्छे है ना सलार। और इस बात का एहसास मैं दिलाऊंगी। किसी अपने की मोहब्बत में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि कोई और रिश्ता। ड्रामा सीरियल यारे मन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सना की मम्मा सोफिया के पास जाते और कहते कि सोफिया इस घर की मालकिन बनने का कभी भी मत सोचना और बीमारी बनकर इस घर में फैलने का भी ना सोचना। तुम इस घर से जल्दी से जल्द मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी और तुम भी अच्छा होगा कि खुद ब खुद ये घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्का देकर इस घर से बाहर निकालूंगी। तो फिर सोफिया जो होती है वो अजान के पास जाती है और कहती है कि अजान जी आप मुझे इस घर में लेकर आए थे, मैं आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो जान कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगी, आप ना ही मुझे आपने अपना घर बताया है और ना ही आपने कोई ऐसा पता बताया जहाँ पर मैं आपको छोड़ कर आऊँ, और ऐसे मैं आपको छोड़ नहीं सकता। तो फिर सोफिया कहते हैं कि आप मुझे मेरे हालात पर छोड़ दें, जो होना होगा वो मेरे साथ हो जाएगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर और मजीद नहीं रहना चाहती, मैं आपके लिए परेशानी का बायस नहीं बन सकती, यहाँ के लोग मेरी वजह से परेशान हैं। तो फिर अजान कहते हैं कि नहीं, कोई भी आपकी वजह से परेशान नहीं होगा, और आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपको इस तरह परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं, कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा। तो फिर सोफिया कहती कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे ये घर छोड़ कर चले जाना चाहिए। तो जान कहते हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पर आप रह सकते हैं और कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं। तो फिर सोफिया कहती कि नहीं कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरा यहाँ पर रहना मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि मेरा क्या रिश्ता है इस घर से और मैं क्यों यहाँ पर रह रही हूँ। तो जान कहते हैं कि लोगों की मुझे परवाह नहीं है और ना ही आपको परवाह होनी चाहिए। इधर सारा जो होती है वो सलार का ख्याल रख रही होती है, पूरी रात जाकर उसका ख्याल रखती है। तो फिर सलार कहते हैं कि सारा तुम पूरी रात यहीं पर बैठी रही हो? तो सारा कहते हैं कि हाँ सलार, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। तो सलार कहते हैं कि बस करो सारा, मुझे इस तरह एक रात जाकर मेरे लिए तुम मुझ पर एहसान मत जताओ, मुझे पता है कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो, मैं सब जानता हूँ। तो सारा कहते हैं कि सलारा मेरा यकीन करें, मैं सच में आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहती। तो सलार कहते हैं कि सारा बस बहुत हो गया, मुझे तुम्हारी इस तरह की बातों की आदत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारी ऐसी बातें सुनना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।